नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी ब्रांड टूर्स। और जैसे कि आप सब जानते हैं, वी क्रिएट वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट रिव्यूज एट प्रॉपर्टी ब्रांड टूर्स। आज हम फिर हाजिर है लेकर के आपके लिए एक नई प्रॉपर्टी, एक प्रोजेक्ट जो कि आपके और हमारे फेवरेट चंडीगढ़ में लोकेटेड है, जीरकपुर में है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम है अनंत एस्पायर। जी हाँ, अनंत एस्पायर। सो नाम से ही पता चल रहा है, एस्पिरेशन सारी पूरी कर रहा है ये प्रोजेक्ट। आइए देखते हैं डिटेल में किस तरह के लेआउट्स हैं, क्या एमिनिटीज हैं, किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिया है डेवलपर ने एंड किस तरह की एंटायर प्रोडक्ट पैकेजिंग। बात करते हैं सब कुछ वन बाय वन डिटेल। खास बात यह है कि दीज आर फुल्ली ऑटोमेटेड स्मार्ट होम्स। जी हाँ, ये आते हैं वॉइस कंट्रोल, लाइट कंट्रोल, एयर कंडीशनर, टेम्परेचर कंट्रोल, एक्सेस एंड सिक्योरिटी कंट्रोल, टाइम बेस्ड इवेंट कंट्रोल, प्रेजेंस एंड मोशन सेंसर एंड टच पैनल एंड मोबाइल ऐप के साथ में। इसके अलावा अगर हम खास बातों की बात करें तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट में पर फ्लोर पे सिर्फ 2 फ्लैट्स ही दिए गए हैं। अच्छी हाई स्टैंडर्ड फिटिंग्स लगाई गई हैं प्रोजेक्ट में। हर एक जो फ्लैट है वो पार्क फेसिंग है, तो जब आप अपनी खिड़की खोलेंगे एंड बाहर देखेंगे, आपको बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी, बहुत खूबसूरत सीनरी देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं लोकेशन की। अगर हम लोकेशन की, स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो ये पटियाला रोड पे लोकेटेड है ये प्रोजेक्ट। और पटियाला रोड इज अ लिंक बिटवीन उजना और पटियाला नेशनल हाईवे। ये सेंटर ऑफ जीरकपुर में लोकेटेड है। पाम एनक्लेव, शिवा एनक्लेव, गुरुदेव नगर, दशमेश नगर, बादल कॉलोनी, इस तरह के रेजिडेंशियल एरियाज यहाँ पे ऑलरेडी है। और ये एक मिक्स है इंडिपेंडेंट हाउसिंग और मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट्स का। अगर हम और बात करें यहाँ पे तो ओएसिस, माया ग्रीन, लोटस सक्षम, हाईलैंड पार्क, इस तरह के अपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, करोरन के साथ में जो नियरेस्ट बस स्टैंड है वो जीरकपुर ही है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि 8 किलोमीटर पे है। मतलब आधे घंटे के डिस्टेंस पे आपके पास सारी जो जितने भी हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सब, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आप सब जगह पहुंच सकते हैं। अगर हम लोकेलिटी की और बात करें तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, लोकल शॉपिंग डेस्टिनेशंस, कन्वीनियंट शॉपिंग के जो भी स्पॉट्स हैं वो सब कुछ पहले से ही इस एरिया में है, जैसा हमने पहले भी बात किया कि यहाँ पे जी डी गोयन का स्कूल है, टॉडलर हाउस है, वीवी इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एमा पब्लिक स्कूल है, द गुरुकुल स्कूल है, सेंट सोल्जर पंजाब पब्लिक स्कूल है, दीक्षांत ग्लोबल स्कूल है, आरडेली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल है। अगर हम कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो रेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एलपीयू सेंटर, दशमेश खालसा कॉलेज, गवर्नमेंट आईटीआई, वुमेन का कॉलेज है ये। अगर हम मेडिकल की बात करें तो एम केयर हॉस्पिटल, जेपी हॉस्पिटल, लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोल्डन हॉस्पिटल, ऑस्मेड, ट्रिनिटी हॉस्पिटल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दशमेश हॉस्पिटल, केशव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये भी यहाँ पास में लोकेटेड है। और अगर होटल्स की बात करें तो AKM रिजॉर्ट, होटल गोविंद रीजेंसी, GM रिजॉर्ट, ये सब कुछ पास में है। सो आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमें रहने के लिए चाहिए, हमारे फैमिली के लिए चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर पहले से ही लोकेटेड है। एंड अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज की, IT कंपनी, AKNMLM सॉफ्टवेयर कंपनी, ग्रूट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, रैंथम इन्फोटेक, वेब मीडिया, ये सब कुछ पास में लोकेटेड है। रिलायंस जियो सेंटर है, AP सिक्योरिटीज, आनंदा डेयरी, सो एंड यूनिवर्सिटी बिजनेस पार्क, मोतियाज रॉयल बिजनेस पार्क, ये सब होने की वजह से और भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो सब कुछ है इस लोकेलिटी में जो आपको एंड आपकी फैमिली को चाहिए एक अच्छा सिक्योर्ड एंजॉयबल सोशल लाइफ के लिए, अच्छी लोकेलिटी के हिसाब से। आइए बात करते हैं अब प्रोजेक्ट की डिटेल में। अगर हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो 8 एकड़ का प्रोजेक्ट है, लॉन्च हुआ था April 2022 को, टोटल 440 यूनिट है। ये जो टोटल 13 टावर है ये वेल डिजाइंड है,
विद अपने अपने बेनिफिट्स एंड पोजीशन टेंटेटिवली दिसंबर 2025 में रखा गया है। ये हाई क्वालिटी येट अफोर्डेबल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है स्वस्तिका इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का। यहाँ पर सारी एमिनिटीज डेवलपर्स लेकर के आए हैं। अगर हम बात करें तो पार्क्स, लिफ्ट, विजिटर पार्किंग, पावर बैकअप, जिम, पूल, क्लब हाउस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि ये फुल्ली ऑटोमेटेड स्मार्ट होम्स हैं, तो दिस इज द काइंड ऑफ द विजन डेवलपर लेकर के आए थे। ये डुअल कोर प्रोजेक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी लेकर के आ रहे हैं डेवलपर। माई वन कंस्ट्रक्शन में है ये सारा, और माई वन कंस्ट्रक्शन के एडवांटेजेस को हम सभी जानते हैं कि दिस इज समथिंग टू बी दैट मेक्स द एंटायर कंस्ट्रक्शन वेरी मच रिलायबल। सो अगर हम एमिनिटीज की बात करें तो प्रोजेक्ट में सेंट्रल पार्क रखा गया है, क्लब हाउस रखा गया है, स्पोर्ट्स अरीना, इन्फिनिटी पूल, ईवी कार चार्जिंग पॉइंट्स हैं, थ्री टायर सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। अगर हम बात करें एम्पल पार्किंग स्पेस दिया गया है, एंड अच्छा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है विच मेक दिस वन ऑफ द यूनिक प्रोजेक्ट्स, इसकी सेपरेट पेट जोन दिया गया है। क्लब हाउस की बात करें तो क्लब हाउस में आपको जिम, स्पा, कॉन्फ्रेंस रूम, सलोन, टेबल टेनिस, जितने भी इंडोर गेम्स हैं, कॉफ़ी रूम, जो हम कैफे बात करें, रीडिंग रूम की बात करें, ये सब कुछ, बैंक्वेट हॉल, सब कुछ इंक्लूड करा गया है क्लब हाउस के अंदर में, विच मेक्स इट अ वेरी एंगेजिंग पॉइंट। बच्चे बड़े, हमारा स्पेशल ओकेजन, नॉन स्पेशल ओकेजन, रीडर्स, सब एंगेज हो पाते हैं प्रोजेक्ट में। अगर हम स्पोर्ट्स अरेना की बात करें तो बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, क्रिकेट पिच, टेबल टेनिस, सब दिया गया है प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं या हमें कॉमेंट करके बताएं। वी ट्राई टू कम अप विद डिटेल्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट। अगर आप अपने लिए घर ले रहे हैं तो हम हमेशा कहते हैं रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही लें, एंड दैट विल गिव यू अ वेरी सिक्योर्ड एसेट। उसके अलावा आप बहुत अपना पर्सनल रिक्वायरमेंट देख करके ही चूज करें। आप सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो इट बिकम्स मोर क्रूशियल कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, क्या बजट में, प्रोजेक्ट के कौन से एंट्री पॉइंट में एंट्री कर रहे हैं आप, एग्जिट प्लान है या नहीं, व्हाट इज योर आरओआई एक्सपेक्टेशन। अगर आप सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं तो फिर आप अपनी प्राइमरी नीड्स देख सकते हैं, इज इट योर फर्स्ट होम, सेकेंड होम, व्हाट इज योर प्रायोरिटी, आप अपने वर्क प्लेस के पास देख रहे हैं, बच्चों का चाइल्ड एजुकेशन इज योर प्रायोरिटी, और योर पेरेंट्स का जो मेडिकल फैसिलिटी इज योर, दैट इज योर रिक्वायरमेंट। उसके अलावा द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल यू आर ऑलरेडी इन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पैशनेट होकर के डिसीजन ना लें आप चाहें तो किसी भी कंसल्टेंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी होम बाइंग जर्नी में आपका साथ देने के लिए। आप चाहें तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विल बी हैप्पी टू सर्व। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।